चंदौली में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 19 अक्टूबर को डांडिया का आयोजन किया गया। डांडिया उत्सव को महिला सशक्तिकरण व जन जागरूकता के मद्देनजर नगर की महिलाओं ने घरेलू महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर एंटरटेनमेंट व सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की एक मुहिम चलाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कैलाशपुरी स्थित एक वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजक सरिता ठाकुर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में घरेलू महिलाओं को एंटरटेनमेंट के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पढ़ने या जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं तो महिलाओं को समय काटना काफी कष्टदायक होता है। ऐसे में महिलाओं में ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से डांडियों का आयोजन पहली बार कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी ताकि वह अपने घर से निकलकर बाहर आए। वहीं मंजुलता ने बताया कि डांडिया गुजरात का बड़ा ही फेमस त्यौहार है। पीडीयू नगर में हम कुछ महिलाओं ने सोचा कि डांडियों का आयोजन किया जाए। वहीं मीना सिंह ने बताया कि डांडियों का आयोजन हम महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास है, जिसमें 35 से 40 महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। उप कार्यक्रम कैलाशपुरी स्थित केशरी नंदन उत्सव वाटिका में 19 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा, जिसमें 4 तरह की प्रतियोगिता भी कराई जाएंगी, जिसमें सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाली महिलाओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। जी अपना नाम और परिचय बता दीजिए। नाम मेरा सरिता ठाकुर है, मुगलसराय में रहती हूँ, मानस नगर। क्या कार्यक्रम है और कब है ये? 19 अक्टूबर को हमने रखा हुआ है, डांडिया का प्रोग्राम है हमारे यहाँ। कहाँ कार्यक्रम होगा ये? कार्यक्रम होगा केसरी नंदन में उत्सव वाटिका कैलाशपुरी। हाउस वाइफ्स को जो जितनी भी हैं उनको हम बाहर निकाल के उनके साथ फुल एंजॉय करें और उनके लिए भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हम लोग करना चाहते थे, इसीलिए ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। कितनी महिलाएं कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी? सर इसमें करीबन 35 से 40 हो सकती है। इस कार्यक्रम को क्या माना जाए, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम इसको माना जाए? हाँ सर मान सकते हैं बिल्कुल।